खबर रोड से जहां इस्लाम मजहब के पांच फर्जों में से एक हज़ मुबारक भी है जो कि मुसलमानों को जीवन में एक बार जरूर आना होता है इस्लाम धर्म के पैगंबर ने अल्लाह के फरमान के मुताबिक हर मुसलमान पर अपने पूरे जीवन में अपने सब जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के बाद हज पर जाने को कहा है हज की मुबारक यात्रा पर शहर के दस सदस्यों यात्रियों को रवाना किया गया छोटी मस्जिद के सामने मुस्लिम समाज रोड द्वारा शहर के हाजियों का स्वागत समारोह रखा गया यात्रा पर जा रहे शौकत अली नागौरी बिस्मिल्ला बानो गफर नागौरी बिस्मिल्ला नागौरी अजीज भाई अनिशा बानो रशीदा बेन मोहम्मद याकूब मेमन रशीदा बानो मोहम्मद फारूक मेमन गुलशन बानो का मुस्लिम समाज द्वारा सभी हाजियों का स्वागत कर भावभीनी विदाई दी गई गुरुवार को मदीना मस्जिद से जुलूस के रूप में लाकर छोटी मस्जिद के सामने सभी हाजियों का समाज के अलावा अन्य समाजों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया वा उनके शुभ यात्रा की दुआएं मांगी। उसके बाद सभी यात्रा पर जा रहे हाजियों को जुलूस के रूप में समाज के लोग छोटी मस्जिद सदर बाजार होते हुए रेलवे स्टेशन स्थित भोले शाह बाबा की दरगाह पर पहुंचे पूरे रास्ते में अल्लाहुमा अलबेक अल्लाहुमा अलबेक की सदाओं से गूंजा रहा वहीं समाज के नौजवानों नाते रसूल पढ़ते हुए चल रहे थे जहां पर सभी ने बाबा की बारगी से सला सलाम पेश कर दुआएं मांगी सभी हाजियों का पालिका अध्यक्ष मगनदान चारण ने माला सभी को यात्रा की शुभकामनाएं दी इस अवसर पर मुस्लिम वक्फ कमेटी के संरक्षक कदीर कुरैसी सदर हाजी सलीम खान नायब सदर गरीब मोहम्मद हनीफ भाई सुल्तान शमशेर अली जुनैद अदील शहित समाज के प्रमुख लोग उपस्थित थे